अवार्ड का ये सेरेमनी अरेंज किया गया है, इसमें जो स्वच्छ होटल हैं, स्वच्छ गार्सिस सोसाइटीज हैं, स्वच्छ स्कूल हैं, उनको अवार्ड देंगे, और हमारे जो इम्प्लॉय जिन्होंने बेहतर काम किया है उसके लिए भी हमें अवार्ड देने का ये प्रोग्राम रखा गया है। एक कदम स्वच्छता की ओर, अपने आसपास भी सफाई जरूर रखें, सिर्फ तस्वीर में ही नहीं आए, सफाई रखें। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। आपको बता दें, दादरा नगर हवेली सिलवासा नगर पालिका ने आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत 6 कैटेगरीज में यहां पर पुरस्कार वितरण किया है, सम्मानित किया है। सबसे पहले बता दें कि बेस्ट क्लीन होटल को अवार्ड दिया गया है, बेस्ट क्लीन जो रेसिडेंटल एरिया है, वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्हें दिया गया है, बेस्ट क्लीन हॉस्पिटल है उसे दिया गया है, और प्राइमरी स्कूल कामली फलिया को दिया गया है। सबसे बड़ी बात बता दें कि बेस्ट क्लीन गवर्नमेंट ऑफिस जो सिलवासा नगर पालिका के सीईओ हैं मोहित मिश्रा, उन्हें भी यहां पर पुरस्कृत किया गया। देख सकते हैं ये नगर, ये व्यापारी एसोसिएशन के यहां पर अध्यक्ष हैं जो संतु पुजारी यहां पर मौजूद हैं, उन्हें भी यहां पर सम्मानित किया गया है। व्यापारी एसोसिएशन से सभी लोग यहां पर मौजूद रहे। एक विशेष आयोजन के बारे में बता दें कि जिसमें सभी नगर पालिका के स्कूल, होटल, आरडीओ, ए मार्केट, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल में सभी लोगों को, सभी जगहों पर सरप्राइज एक विजिट किया गया था, और वहां पर देखा गया कि किसने यहां पर अच्छे से यहां पर काम किया है और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया है। ऐसे में आपको बता दें, कर्मचारी और जो महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, सभी लोगों को चिन्हित कर यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। सीईओ मोहित मिश्रा भी यहाँ पर पुरस्कृत किए गए हैं, राकेश सिंह चौहान जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अजय भाई देसाई हैं, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, जब जो मोहित मिश्रा हैं उन्हें सम्मानित किया गया, बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने हाथ मिलाया, स्वागत किया गया। यहां पर देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उन्हें यहां पर सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं नगर पालिका के जो भी गतिविधि है, कैसे राकेश सिंह चौहान जब से नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं उनके माध्यम से, और ये जो जोड़ी है अजय भाई देसाई हैं, मोहित मिश्रा हैं, बड़े स्तर पर ये काम किया जा रहा है। आगे आइए, जो इंटरव्यू है वो सुनाते हैं, कैसे यहाँ पर व्यापारी एसोसिएशन ने इस बारे में क्या कहा है, और आज अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने अपने संबोधन में क्या कहा लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए। देखिए पूरा कवरेज। जो प्रोग्राम रखा उसमें उपस्थित हमारे चीफ ऑफिसर सर और वाइस प्रेसिडेंट सर अजय भाई, और यहाँ पे पधारे हमारे सभी भाइयों और बहनों, हम लोगों ने स्वस्थ संगठन के अंतर्गत जो जो अच्छे काम किया है, जो जो कंपनी ने, मतलब जो होटल है और हॉस्पिटल है, स्कूल है, और व्यापारी एसोसिएशन ने जो सबसे अच्छा काम किया उनको हमने अवॉर्ड किया है, और हमारे स्टाफ में भी जितने भी वर्कर है उसने जो बेस्ट काम किया है उनको भी हमने सर्टिफिकेट किया है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ही काम आगे भी करते रहे और हमारे सिलवास नगर पालिका को स्वस्थ, सुंदर और स्वस्थ रखने में सहयोग दिए। खास करके मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सही दिल से अभिनंदन देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ, साथ साथ हमारे नगर पालिका के पूरे टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी, सीओ साहब और अजय भाई देसाई को मैं देना चाहता हूँ कि हमारे व्यापारी एसोसिएशन जो सक्रिय हर हमेशा उनकी गाइडलाइन से चलते आए हैं। आज देखो, सेवास के अंदर हमारे किलो नाका बोलो, पंचायत मार्ग बोलो, स्वच्छ रखने का हम लोगों ने 100% प्रयास किया है। कहीं कहीं न कहीं कहीं कमी कहीं रहते हैं, लेकिन उसको भी सुधारने का हम लोग ने प्रयास किया, और आज एक अच्छा सेलवास बनाने का जो हम लोगों ने, हमारे व्यापारियों से मिल के जो काम किया है, तो आज हमको ये उसका फल मिला है, हमको अवार्ड मिला है, तो हम लोग सारे व्यापारी बहुत खुश है। और मैं आभार देता करना चाहता हूँ सारे व्यापारियों को, हमारे को लोग को भी आभार देना चाहता हूँ, और ख़ास करके नगर पालिका को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम लोग को एक अच्छा फल मिला, हमारा जो अच्छा स्वच्छ भारत अभियान का जो हमको मैंडेट मिला है, तो आज आप देखते हैं पारितोष हमको सर्टिफिकेट दिया है, ट्रॉफी दिया है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा है और हिम्मत बढ़ी है कि एक अच्छा काम करने का एक अवार्ड मिला जाता है, और हमारा इतिहास बनने जा रहा है कि पहली दफ़े एक व्यापारी एसोसिएशन को अवार्ड मिला है, वो भी एसएमसी की ओर से। आप तो टॉकीज से भी ताल्लुक रखते हैं, बताइए कैसे संभालते होंगे उन लोगों को जो इधर उधर थूक देते होंगे, चाहे जो गंदगी करते होंगे, उनको कैसे आप लोग मैनेज करते? बिल्कुल, पहले तो कठिनाई आई थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ने हर चीज में, हर समय में उन लोग को समझाने की कोशिश की कस्टमर को, और कस्टमर रियल में हमारा प्रयास जो है खरा उतरा है, और कस्टमर जो है स्वच्छ भारत अभियान का जो हमारे प्रधानमंत्री का जी का जो सपना था, और उसके अंदर सब लोगों ने सहयोग दिया, और आज हम अच्छी अच्छा स्वच्छ की दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू।